गर्मियों में पसीना तो सबको आता है, पर कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सर्दी हो या गर्मी पसीना उतना ही आता है। मौसम ठीक भी हो तो भी उनके कपड़े पसीने से भीग जाते हैं। अब ऐसा क्यों, ये हमें बताया डॉक्टर तारिक ने। बहुत ज्यादा पसीना आने की अवस्था को हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं। हाइपरहाइड्रोसिस को समझने के लिए उसे दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक कारण है कि हाइपरहाइड्रोसिस जेनेटिक हो, आपकी जीन्स या शरीर की बनावट ऐसी है। किसी किसी के शरीर में पसीने की ग्रंथियां ज्यादा हो तो भी हाइपरहाइड्रोसिस हो सकता है। कभी कभी ज्यादा पसीना आना एक लक्षण होता है और उसके पीछे कोई दूसरी बीमारी छुपी होती है, जैसे थायराइड, डायबिटीज, हार्ट की नलियां ब्लॉक हो या फिर मेनोपॉज। सबसे पहले आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर चेकअप करके देखेंगे कि आपको अगर ज्यादा पसीना आ रहा है तो क्यों आ रहा है। अगर किसी बीमारी के कारण ऐसा है तो सबसे पहले तो उस बीमारी का इलाज किया जाएगा। उस बीमारी के ठीक होने से पसीना ज्यादा आने की दिक्कत भी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर ये किसी बीमारी का कारण नहीं है तो बहुत ज्यादा इलाज की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए शुरुआती उपाय है नेचुरल फाइबर के बने कपड़े पहनना या जूते पहनना, जैसे खादी या फिर कॉटन। एंटीपर्स्पिरेंट भी लगा सकते हैं जिससे पसीने की ग्रंथियां बंद हो जाती हैं। अब अगर ये समस्या बहुत ज्यादा है तो इसका कॉस्मेटिक इलाज भी है। इसमें वेव द्वारा पसीने की ग्रंथियों को ब्लॉक कर दिया जाता है या उन्हें खत्म कर दिया जाता है। समझे,